हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दही वड़े बनाएंगे। गर्मी आ गई है, गर्मियों में दही वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हम एकदम सॉफ्ट वड़े और साथ में इमली की चटनी की रेसिपी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वड़े के लिए दाल और चटनी के लिए इमली को भिगो के रखेंगे। यहाँ मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब इमली ली है। हमें ध्यान रखना है इसमें कोई भी सीड्स ना हो, अगर है तो हमें ऐसे चेक करके इसे निकाल देना है, वरना जब हम इसका पल्प तैयार करेंगे तो ग्राइंड करते वक्त हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं एक ग्लास पानी में इसे 1 से 2 घंटे के बीच में भिगो के रखूँगी। और ये उड़द की दाल मैंने धो के पहले ही 1 घंटे से भिगो के रखी है, इसे 2-3 घंटे और भिगोएंगे। अब ये 2 घंटे बाद हमारा पल्प भी बिल्कुल रेडी है इमली का, और ये दाल भी अच्छे से भीग गई है। अब सब इन दोनों को हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये इमली का पल्प कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब हम इसे अच्छे से छान के इसमें जो कचरा है वो निकाल देंगे। ग्राइंड करने से इसमें जो वेस्टेज होता है वो कम निकलता है और इमली की चटनी हमारी पतली नहीं होती है। तो ये पल्प मैंने निकाल के रख दिया है और यह इसका वेस्टेज भी निकल गया है। अब हम हमारी दाल को ग्राइंड करेंगे। अब ये दाल हमने ग्राइंड कर दी है, इसमें हम अब थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और फिर इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू फेंटेंगे। मैं यहाँ विस्कर्स से इसको फेंट रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी इसे फेंट सकते हैं। इसे फ्लफी होने तक हमें अच्छे से फेंटना है। इस प्रोसेस से हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही स्पॉन्जी होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, और हमें किसी और दाल को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 से 7 मिनट फेंटने के बाद ये दाल हमारी बिल्कुल फ्लफी हो गई है, इससे हमारे वड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसमें किशमिश मिलाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फेंटते फेंटते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहना है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अब हम वड़े बनाना शुरू करेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। मैं यहाँ हाथ से वड़े बना रही हूँ, आप स्पून से भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल आसानी से आराम से बन जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ में पानी भी लगा सकते हैं वड़े निकालते वक्त, ताकि ये आपके हाथ पे चिपके नहीं। जब ये वड़े सिकने लगेंगे तो आप देख सकते हैं ये अपने आप ही घूमने लग जाएगा, तो हमें बिल्कुल स्पून लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो देखिए, अब ये आधे सिक गए हैं, तो ये अपने आप ही घूम रहे हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे ही रखें और जब इसमें ऐसा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल देंगे, और इस तरह से हम हमारे सारे वड़े तैयार करेंगे। अब हमारे सारे वड़े बन गए हैं, अब हम हमारी इमली की चटनी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम किया है। अब हम इसमें जीरा और हींग ऐड करेंगे। अब इसमें हमने जो इमली का पल्प तैयार किया था उसे ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब गुड़ ऐड करूंगी। ये मैंने लगभग इमली की क्वांटिटी के बराबर ही ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से, जब तक गुड़ अंदर मेल्ट हो जाएगा तब तक मिक्स करेंगे। अब मैं चटनी की मिठास को बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 कप के करीब शुगर ऐड करूंगी। अब इसके बाद में हम इसमें काला नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। अब जब इसमें शुगर अच्छे से मिल जाएगी तब हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे।
फिर अब हम इसे एक या दो बॉयल आने तक पकाएंगे, उसके बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी और थिक हो जाएगी। फिर हम इसे फ्रिज में स्टोर करके 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं और दही वड़े और चाट में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे दही वड़े हम असेंबल करेंगे। देखिए अब ये हमारे वड़े बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट भी बने हैं। अब इसको दही में डालने से पहले हम हल्के गुनगुने पानी में कुछ सेकंड्स के लिए डाल के रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। हमें कुछ सेकंड के लिए ही इसको इसमें डालना है, वरना ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है तो ये टूट भी सकते हैं। अब हम हमारे दही वड़े असेंबल करेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज का नाम है कैचअप चटनी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये भी घर पे जमा हुआ दही है, इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें हमारी इमली की चटनी ऐड करेंगे। देखिए ये कितनी थिक हो गई है ठंडी होने के बाद। अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा मीठा तीखा साथ में पसंद है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च ऐड करूँगी। अब मैंने यहाँ पे ये जीरा है इसे भून के और पाउडर बना के रखा है, तो अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा ऐड करूँगी। और फिर लास्ट में इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब ये दही वड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप गर्मियों में ठंडे ठंडे दही वड़ों का आनंद लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।